हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट व्लॉग ऑफ दिस सीरीज। तो हम लोग ये जो प्रिंसेस डॉक जो है वहाँ पे पहुँच गए हैं, अभी वेट करेंगे क्योंकि फेरी आएगा 2:30 को, बोले 2:30 को आएगा और अभी 1:00 हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा जो उनका वेटिंग एरिया है वहाँ पे वेट करेंगे और फिर देखते हैं ये एरिया कैसा है, कैसे दिख रहा है, वो थोड़ा सा व्यू लेते हैं और मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो ये जगह को भाउचा धक्का बोलते हैं और ये पोर्ट को प्रिंसेस डक बोलते हैं। ये इतना बड़ा है। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हुई है। यहाँ पे उनका सिटिंग लाउंज है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ सीटिंग एरिया काफी बड़ा है और फेरी आने तक यहीं पे हमने वेट किया। अभी हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाएंगे, गाड़ी भी पार्क होगा शिप के अंदर, तो जाके बैठ जाते हैं। अभी देख रहे हैं हमारा वीडियो, हम फेरी में जा रहे हैं। मम्मा ने थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल दिया। बाबा मैं स्टिकर निकालूंगी। वो लोग ऐसे एक स्टिकर देते हैं जो आपको आपके हैंड में स्टिक करना है, तो मैं ये स्टिकर निकालूंगी। आई को लगा, आई को लगा। डेट, टाइम और आपका कौन से डेट में बुकिंग हुआ है वो बाबा इनकी लगा रहे की वो ये कुछ काम का ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, काम का नहीं, ओके। ये हमारा पास है और ये ऐसे टिकट, आपका कौन से बुकिंग हुआ है, कौन से डेक में, तो हमारा ऑक्टेविया डेक में हुआ है, ये डिटेल है, कौन सा टाइम डेट और एम टू एम फेरी है, तो ऐसे क्यूआर कोड और गाड़ी का भी, आपको गाड़ी का डिटेल भी ऐसे डालना पड़ेगा, कौन सा गाड़ी है उसके हिसाब से आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो अभी तो हमारा फेरी का ट्रैवल स्टार्ट होगा, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस जो है या फिर छोटे छोटे टिप्स जो है वो मैं शेयर करूंगी। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तो सारा डिटेल मैं उसी में शेयर करूंगी। और सुनो, कल हम बीच में जाएंगे, उसके लिए ये है, वो भी अलीबाग में। मीठी बीच में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, तो वही सब बोल रही है। यहाँ पे हमारी गाड़ी अभी पार्क हो गई और हम लोग जा रहे हैं सीढ़ी में, ऊपर जाके बैठेंगे। हम लोग यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं, अभी शिप निकला नहीं है, टाइम हो गया है, तो आज मंडे है, सो दैट उसके लिए ज़्यादा भीड़ नहीं है और सफिशियंट स्पेस है, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो, थोड़े टाइम में ही निकलेगा शिप। अभी धीरे धीरे ये डोर बंद हो रहा है और शिप अभी निकलेगी। चलिए बुकिंग के प्रोसेस बता देती हूँ। एम टू एम फेरी गूगल में लिखिएगा तो उनका साइट आ जाएगा, वन वे या टू वे वो सिलेक्ट कीजिए, डेट एंड नंबर ऑफ पैसेंजर सिलेक्ट कीजिए, जो किड्स है जो 3 इयर्स एवव है उनको वी फुल चार्जेस लगेंगे, एंड कौन से तरह का व्हीकल आप लेके जा रहे हो वो भी सिलेक्ट कीजिएगा। तो अभी टाइम आएगा, कौन कौन से टाइम में शिप ट्रैवल कर रहा है वो टाइम आपको सिलेक्ट करना है, एंड सिटिंग एरिया सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन रहते हैं, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी।
तो आपने अभी टाइम एंड सिटिंग एरिया सिलेक्ट किया, फिर आपका जो व्हीकल टाइप है, अगर आप कार लेके जा रहे हो, कौन सा कार है वो, उसके साइज़ उसके हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। तो कार का करने के बाद फिर आपका जो टोटल चार्जेस है वो आपको देना होगा, एंड इनका जो टिकट है वो आपने एक मेल आईडी मेंशन किया होगा, उसी मेल आईडी में ही आ जाएगा। ये सिटिंग स्पेस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे 3 सिटिंग एरियाज है, स्कोडा क्विज़ाक जिसका वैल्यू 380 पर पर्सन है, एंड ये फुल एसी लाउंज है और यहाँ पे बाहर भी स्पेस है बैठने के लिए। देन सेकेंड फ्लोर है ऑक्टाविया डेक और इसका चार्जेस है पर पर्सन 460 रुपीज़। यहाँ पे ओपन स्पेस है बैठने के लिए एंड यहाँ पे एक बार भी है। ये कैफेटेरिया है और यहाँ पे बहुत तरह के फूड्स भी मिलते हैं, केक्स है, आइसक्रीम है, बर्गर है, समोसा सब मिलता है यहाँ पे। आप यहाँ पे आके व्यू एंजॉय करके खाना खा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, अगर रेनी सीजन में आते हो तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, नहीं तो फिर ओपन स्पेस तो ऊपर है वहाँ पे, तो आप बैठ ही सकते हो। द थर्ड फ्लोर इज कॉल्ड सुपर लाउंज और इसका चार्जेस है 1500 पर पर्सन। वहाँ तो हम लोग का जाना अलाउड नहीं था क्योंकि हमने ऑक्टाविया डेक में किया था, तो हम वहाँ नहीं गए और हमारा केक एंजॉय किया। हमने फिर फैमिली टाइम बहुत सारा एंजॉय किया, सी व्यू एंजॉय किया एंड 1 आवर के बाद चेकआउट का टाइम हो गया। तो हम पहुंच गए हैं मांडवा पोर्ट और वहां से हमारा अलीबाग का जर्नी स्टार्ट होता है। ये एक्सपीरियंस ना बहुत ही डिफरेंट है, अगर आप मुंबई या फिर आसपास रहते हो ना, एक बार यहाँ तो आना चाहिए। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम चल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसके अंदर वो जिंदा है।